ऑपरेटर्स देंगे। वैसे ही औरंगाबाद में इंशाल्लाह वहाँ के औरंगाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मजलिस चैरिटीज ट्रस्ट के तहत एक वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। और वैसे ही इंशाल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी हैदराबाद में एक हेल्पलाइन का आगाज किया है। मेरी आपसे अपील है कि उस हेल्पलाइन से भी आप राबता करिए और वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, आला डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, आप उनसे टेलीफोन पर वो आपकी पूरी कैफियत लेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे आपको अगर जरूरत पड़ी, और उनके मशवरे के ऊपर मंजलिस की अराकीन आपके घर तक लाकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे, दवाएं भी देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमने करीब और 26 या 27 लाख का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का भी ऑर्डर दिया है, और वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप प्लग में लगाकर भी 10 लीटर तक उसकी कैपेसिटी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगर हमको मिल जाएंगे 3 या 5 मई तक, हमारे जिसके साथ हमने ऑर्डर प्लेस किया उन्हें बताया कि 3 या 5 मई तक आ जाएंगे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोगों ने फैसला लिया, बल्कि हम लोग और 5 वेंटिलेटर्स भी मैं खरीद रहा हूँ ट्रस्ट के जरिए से, 5 वेंटिलेटर खरीदेंगे और 5 हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सीमांचल की सरजमीन में किशनगंज में वहाँ के डीएम साहब को देंगे 1 वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और दूसरी एक और मुकाम पर जहाँ पर जो अख्तर ईमान साहब की और रुकनुद्दीन साहब का जो असम्बली हल्का है वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 1 वेंटिलेटर देंगे और 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। वैसे ही औरंगाबाद में इंशाल्लाह वहाँ के औरंगाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मजलिस चैरिटीज ट्रस्ट के तहत 1 वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। और वैसे ही इंशाल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव के हमारे रुकन असम्बली हैं, मैं इम्तियाज अली साहब को ये जिम्मेदारी दूंगा, जब ये आ जाएंगे वो मालेगांव में 1 वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। धुलिया में हमारे एमएलए हैं फारूक शाह इम्तियाज साहब, वहाँ पर भी 1 वेंटिलेटर और 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। और यहाँ पर हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला कम से कम 15 से 16 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी रहेंगे, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि सिलेंडर को ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी देंगे। हमारी कोशिश एक ही है कि हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम को इस प्लेग से, इस वायरस से छुटकारा मिले, और ये उसी वक्त होगा जब हम तमाम मिलकर काम करेंगे। और कैसे काम करेंगे? नफरत को छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे पर शक करना छोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे को इंसान के तौर पर देखना पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, हिम्मत से काम करिए, हौसले से काम करिए, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि अल्लाह सुबहाना तआला ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में कि सब्र और नमाज से काम लो, अल्लाह ने क्या फरमाया, यह लजीना है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। और